ऑल राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड आल्सो वी सॉ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। आज हमको वी वांट टू सी व्हाट इज बायो सेवर्ट्स लॉ एंड हाउ कैन वी यूज दैट लॉ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, लेट अस से डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर फ्रॉम अ स्पीयर, ये हमने गॉस लॉ यूज करके फाइंड किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं। गॉस लॉ आपको याद होना चाहिए, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार एस चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ऐसा फॉर्म आता है उसका। हमको ये देखना है अब अगर हमारे पास एक आर्बिट्री शेप रैंडम शेप का एक वायर है, उस वायर पे एक छोटा एलिमेंट है, उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंड दैट इज गिवन बाय बायो सावर्ट्स लॉ। सो वी वांट टू सी व्हाट इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ड्यू टू अ करंट ऑल्सो नोन एज, आई मीन ऑफकोर्स The law is known as Biot-Savart's law. Okay, so idea बहुत easy है. I will tell you very basic, simple idea. We will not go into hi-fi language. बहुत simple रखेंगे इसको. मान लो हमारे पास एक wire है. We have a wire which is this shape, random shape, something like this. ओके, और इस रैंडम शेप्ड वायर पे यू हैव अ लेंथ एलिमेंट, आपके पास एक एलिमेंट है, तो ये आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है डी एल, सो दिस इज डी एल हियर, राइट। द करंट थ्रू दिस वायर इज आई, एंड ये जो लेंथ एलिमेंट है इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज गिवन बाय टेंजेंट हियर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट डीएल बार। आपको पता है लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ही होता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल होता है बेसिकली, तो दिस इज डीएल बार बेसिकली। ओके, सो यू कैन से दिस इज डीएल बार, डायरेक्शन ऑफ डीएल, करेक्ट। देन हम क्या करेंगे, हम ये जो लेंथ एलिमेंट लिया है इसके सेंटर से उस पॉइंट तक जहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो लेट अस से ये पी पॉइंट था जिसका डिस्टेंस आर है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस। ओके, तो P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हाउ डू वी फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ दैट P पॉइंट इज R एंड दिस इज R वेक्टर, द एंगल बिटवीन dl बार एंड R बार इज थीटा। आइडिया बहुत सिंपल है, हमारे पास एक वायर है, रैंडम शेप का वायर है, उस रैंडम शेप के वायर में एक करंट है, हमको ये देखना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। मैंने इस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से एक पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज डीबी कितना होगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी एट दैट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट। तो हमने क्या किया, हमने सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट डीएल लिया है, उसके सेंटर से पी पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उसको आर बार बोल दिया, करेक्ट। और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन तो अलोंग द लेंथ एलिमेंट ही होगा,
तो डीएल बार और आर बार में जो एंगल है वो एंगल थीटा है. सो अकॉर्डिंग टू द बायट सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे. देन दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ज्यादा बड़ा एलिमेंट लिया तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा. देन इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल बार एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू दैट पॉइंट पी, तो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. एंड डीवी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, राइट. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. नाउ आई कैन रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड आई कैन राइट डाउन कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज म्यू जीरो बाय 4π आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर. तो ये म्यू जीरो बाय 4π बेसिकली म्यू जीरो बाय 4π को बाद में लिखते हैं. टेम्पररीली आई विल राइट सम के, सम कॉन्स्टेंट के. ये जो कॉन्स्टेंट के है इट डिपेंड्स ऑन, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो चीजों पे. एक तो आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो, आप SI सिस्टम यूज कर रहे हो, आप CGS यूज कर रहे हो. दूसरा ये जो वायर है ये कौन से मीडियम में रखा गया है. इट इज सिमिलर, यू रिमेम्बर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग बोलते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R2, से एक कांस्टेंट आता है कि फिर आप बोलते हो दैट के डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर यूजिंग एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन विच सराउंडिंग इज देयर, मतलब कौन सा मीडियम है, कौन से मीडियम में चार्ज को रखा गया है, करेक्ट. सो सिमिलरली यू हैव दिस हियर, ओके. अगर मैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहा हूं, सो इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन SI सिस्टम दिस के इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4π और इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁷ एंड यूनिट्स आते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेबर पर एम्पियर मीटर, सॉरी वेबर पर एम्पियर मीटर, राइट. तो ओवरऑल यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीबी एज म्यू जीरो बाय 4π आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, राइट. वेयर म्यू जीरो, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इप्सिलॉन जीरो था और वो डिनोमिनेटर में था, 1/4π इप्सिलॉन जीरो, दैट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. बहुत इजी है, वहां पे परमिटिविटी था, यहाँ पे परमियाबिलिटी है, ओके. देन अगर मुझे ये, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो व्हाट आई कैन डू इज अ वेरी सिंपल थिंग. बिफोर आई गो टू वेक्टर फॉर्म आई विल जस्ट डू अ वेरी सिंपल थिंग, मैं सिर्फ ऊपर आर को एडजस्ट करूंगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर कर लिया तो नीचे आर स्क्वायर का आर क्यूब बन गया. अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक म्यू जीरो बाय 4π आई डी एल क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आपको पता है डी एल आर साइन थीटा इज डी एल बार क्रॉस आर बार, ओके. तो दिस इज हाउ यू गेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देन वी विल राइट इट डाउन बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. ये एज अ रूल याद रखना है, इसको हमको प्रूव नहीं करना, इट इज जस्ट अ लॉ एंड लॉ यू डोंट हैव टू प्रूव इट, ओके. इन दिस केस यू डोंट हैव टू प्रूव इट. तो द आइडिया इज सिंपल, और ये क्यों हमको करना है वो भी बताता हूं मैं, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ जाएगा दैट व्हाई वी नीड टू हैव सच लॉज. ऐसा है, हमारे पास एक रैंडम शेप का वायर है, प्रॉब्लम यहां स्टार्ट होता है. हमारे पास रैंडम शेप का वायर है, हमको वायर का शेप नहीं पता, इट इज नॉट अ स्ट्रेट वायर, ओके गुड. तो अगर स्ट्रेट वायर होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना इजी टास्क है, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आ जाएगा.
प्रॉब्लम इज दिस, यू हैव अ रैंडम शेप वायर. तो मैं रैंडम शेप वायर का मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता. क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो जो डीएल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डीएल लिया मैंने, तो डीएल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बिकॉज द शेप ऑफ द वायर इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द वायर इज रैंडम. ओके, तो वायर रैंडम होने की वजह से, रैंडम शेप, आर्बिट्री शेप होने की वजह से डीएल बार का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है. और क्योंकि डीएल बार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मुझे एक किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता. इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर को आप छोटे छोटे पीसेस में पहले स्प्लिट कर दो. अज्यूम द वायर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पीसेस. ओके, उसमें से एक पीस, उसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, क्योंकि लेंथ का एलिमेंट है इसलिए लेंथ एलिमेंट. हमने एक लेंथ एलिमेंट ले लिया डीएल. अब हम ये बोल रहे हैं कि लेट अस सी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये लेंथ एलिमेंट डीएल की वजह से पी पॉइंट पे, जो आर डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट से, उस पी पॉइंट पे इस लेंथ एलिमेंट से जो करंट पास होगा आए, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. करंट तो होना चाहिए, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बेसिकली. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन. So, what Biot-Savart law tells you is the magnetic field, क्योंकि length element small है तो magnetic field भी small होगा, तो the magnetic field dB is proportional to current. जितना ज्यादा current उतना ज्यादा magnetic field, good. Then it is proportional to length of the element. जितना length element बड़ा लोगे उतना ज्यादा magnetic field generate होगा, good. It is proportional to sine of the angle between DL bar and the line joining. अभी ये देखो, ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ DL से P पॉइंट तक जा रहा है, सो DB इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन DL bar and the line joining the center of DL to the point P. And lastly, DB is proportional to square of the distance between DL and point P. Okay, so सबको combine कर दिया तो मुझे मिल गया DB. Magnetic field due to small length element is proportional to I DL sine theta by R square. So DB is equal to some constant K I DL sine theta by R square, where this K is a constant of proportionality whose value, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर यूजिंग. सेकेंड, फर्स्ट ऑन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर यूजिंग, एंड सेकेंड व्हाट इज द मीडियम सराउंडिंग द वायर. राइट, अगर आप ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो और अगर सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम है तो के की वैल्यू आती है म्यू 0/4π और ये आता है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर. ओके, गुड. देन where this mu zero is called as permeability of free space. जैसे हमने electrostatics में permittivity बोला था, यहाँ पे permeability है. So mu zero is equal to dB is equal to mu 0/4π I dl sine theta by r square. मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक r और एक r adjust कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये vector form में लिखना है. तो vector form में क्या आएगा, dB bar equal to, तो मैं क्या करूंगा, डीएल आर साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग आई डी एल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब. तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म. ओके, तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग एंड यू शुड नो दिस. सो लेट अस जस्ट मेक पुट दिस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड देन वी कैन गो अहेड. सो और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी बिकॉज यू नो वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट शेप्स एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट शेप ऑफ कंडक्टर. ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ कोर्स, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर लगता है यहाँ पे.
just a minute. Okay, we can start putting down notes now. So सबसे पहले what is Biot-Savart law, वो बता देते हैं. So Biot-Savart law tells you the magnitude of the magnitude of magnetic induction. Magnetic induction मतलब magnetic field basically. The magnitude of magnetic induction at a point due to a small element of current carrying conductor is directly proportional to the current. Second, directly proportional to the length of the element. Third, directly proportional to the sine of the angle between the element, मतलब dl bar, between the element, मैं लिख देता हूँ dl bar and the line joining the center of the element to the point of the element to the point that is r bar. Okay, then one last thing that is remaining, it is inversely proportional to square of the distance between the point and the center of the element. Inversely proportional to the line to the square of the distance, of the point from the center of element. Okay, so that is, it is proportional to 1 by r square. So aisa hai. So this is what you should know. So this is Biot-Savart law. This much is Biot-Savart's law. Okay, so let's consider a conductor of any shape as shown in figure. So I'll just say this is figure number 1. So let's consider a conductor of any shape carrying a current I as shown in figure. Let DL be the length element, on the conductor
okay, let P be any point at a distance r from the current carrying element, from the current carrying element, and r bar be its position vector, r bar be the position vector of point P, of point P with respect to current element, with respect to current element, and theta, that I will write down later, be the angle between dl bar and r bar in the direction of current. So let ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लिखना जरूरी नहीं है, डजंट मैटर, जस्ट टू टेल यू, क्योंकि क्या है कि एंगल डिफाइन करते वक्त आई कैन ऑल्सो से दिस इज थीटा, तो बस उतना ही है, इट्स ओके. सो आर बार यहाँ पे थीटा, यहाँ पे आर बार और डी एल बार. ओके, सो व्हाट वी नो फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ इज, ऑफकोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया व्हाट इज बायोट सावर्ट लॉ. सो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ वी कैन राइट दिस एज डीवी एज, सो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन डीबी ड्यू टू एलिमेंट डीएल बार, ड्यू टू एलिमेंट डीएल इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज सिंपल, इट इज डीबी इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin theta by r square. Therefore, dv is equal to k I dl sin theta by r square, where k is constant of proportionality and its value depends on, where k is constant of proportionality and its value depends on system of units and the medium, and of course the medium in which the conductor is placed, is situated. The medium in which the conductor is situated. Okay, right. So extremely simple tha. In SI units. K is equal to mu 0 by 4 pi if the surrounding medium is vacuum. If the surrounding medium is vacuum, okay, where mu 0 is called as permeability of the medium, permeability of the free space. Permeability of free space. Also, mu 0 by 4 pi is equal to 10 power minus 7 Weber per ampere meter. This is SI unit. Of course, SI system mein ho. Weber or ampere or meter use hua, matlab that is SI system of units.
right? Therefore, what we have is dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl sine theta by r square. Therefore, what we can do is dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl r sine theta by r cube. Therefore, we can write dB in vector form as dB bar is equal to mu 0 by 4 pi I dl bar cross r bar upon r cube. So this is how you can write this in vector form. Okay, so Biot-Savart law was an extremely simple law. It is nothing. इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी लॉ हम जब सीखते हैं तो उसका एप्लीकेशन हमको करना होता है और इसीलिए हम सीखते हैं, राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट जस्ट अ मिनट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. सो आई हैव दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेट अस से इनफिनाइट लेंथ है इस वायर का मान लेते हैं. इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से एट पॉइंट P. इस P पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है R, we want to find out what is the magnetic field due to current I at point P due to this current flowing through this conductor. So hamara task ye hai, we have a long straight wire which is carrying current I. There's a point P at a distance, perpendicular distance capital R from the wire, and we want to find out what is the magnetic field at this point P. Correct? So sabse pehle, as I told you, what you can do and what you can't do is यहाँ पर directly कैसे find करोगे ना, नहीं कर सकते. तो because of that हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक length element ले लेंगे somewhere over here. Okay, so I'll just take it little down somewhere over here. तो मैंने यहाँ पे एक length element ले लिया dl bar. मान लो दिस इज दैट लेंथ एलिमेंट डी एल बार, ओके, दिस इज डी एल, करेक्ट. अब इस लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी इज स्मॉल आर. तो ये जो पॉइंट पी है और जो लेंथ एलिमेंट डी एल है, इन दोनों का डिस्टेंस है स्मॉल आर. And as I told you, length element का direction हमेशा length element के direction में ही होता है. मतलब this is the direction of length element dl. Okay, तो ये length element और current का direction same ही रहते हैं normally. तो you have direction of length element over here, correct? तो the angle between this particular r vector, मैंने सिर्फ r लिखा है, that is r vector in reality, and dl bar is theta as defined earlier. हमने पहले define किया है. अगर ये angle theta है तो ये angle आपका 180 minus theta मतलब pi minus theta होगा. Okay, task simple है. तो what is task in our hand उसका पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमको करना क्या है. So what we want to do over here is a simple thing. We want to see what is the magnetic field due to a current in a straight long wire
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, तो डायग्राम हमारे पास है, हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ है, बट प्रॉब्लम यहां पे ये है दैट ये जो वायर है, मैं अगर मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट यहां पे है, दिस पॉइंट हियर इज ओरिजिन ओ ऑफ द वायर, तो लेट मी ड्रॉ एक्सिस, थोड़ा सा समझने में इजी होगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो नीड ऑफ ड्रॉइंग एक्सिस हियर, ये एक्सिस है क्योंकि हमने जो ये वायर लिया है अलोंग वाई एक्सिस लिया है, तो वाई एक्सिस लिया है तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया ओरिजिन, दिस पॉइंट ओवर हियर। तो ये जो वायर है इसको मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि वायर इन्फिनेट लेंथ का है, तो दो हाफ में डिवाइड कर देंगे, एक ऊपर का हाफ एक नीचे का हाफ, नीचे का हाफ में ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, तो दिस इज लोअर हाफ ऑफ द वायर, दिस इज लोअर हाफ ऑफ द वायर। तो लोअर हाफ जो है वायर का वो जीरो से माइनस इंफिनिटी तक होगा, और जो अपर हाफ है वो जीरो से प्लस इंफिनिटी तक होगा, राइट? सो इट इज सिंपल थिंग, यू कैन अज्यूम द वायर टू बी इंफिनाइट विथ इट्स लेंथ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अपर हाफ एंड वन इज लोअर हाफ, अपर हाफ इज फ्रॉम जीरो टू प्लस इंफिनिटी, लोअर हाफ इज फ्रॉम जीरो टू माइनस इंफिनिटी, राइट? एंड सिंस द वायर इज सिमेट्रिक, जीरो से प्लस इंफिनिटी में भी वही वायर है, वही मटेरियल है, यूनिफॉर्म है, एरिया भी वही है, जीरो से माइनस इंफिनिटी पे भी वही है, तो जो अपर हाफ का मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वही लोअर हाफ का होगा। मतलब जब मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा ड्यू टू कंप्लीट वायर, आई कैन से इट इज टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मैं आपको समझाता हूँ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग जाते हैं टोटल पे। मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट टॉपिक में भी बताया था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे वायर का शेप वेल डिफाइंड नहीं है, तो फिर मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर नहीं सकता, ये मजबूरी है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, वायर को छोटे छोटे पीसेस डीएल 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 में डिवाइड करते हैं और हर एक डीएल का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर सबको एड सम मतलब इंटीग्रेट करते हैं। तो सिमिलरली यहां पे भी मैं वही कर रहा हूं, मैं पूरे वायर को डीएल 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 में डिवाइड करूंगा, मैं हर एक डीएल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एड करूंगा मतलब इंटीग्रेट करूंगा, तो अपर हाफ से मुझे क्या मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर हाफ है ना, तो बी यू लिख देता हूं अपर हाफ, इट इज इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, क्योंकि जीरो से प्लस इंफिनिटी ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है डीएल 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 सब किसका मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर दिया जीरो से इंफिनिटी तक, तो मुझे मिल गया बी अपर। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी इट इज ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस टू राइट इन वेक्टर फॉर्म हियर। अगर मैं लोअर के लिए निकाल सकता हूं तो वो भी ठीक है, तो लोअर के लिए आप करोगे तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा दैट फॉर लोअर यू विल राइट डाउन माइनस इंफिनिटी टू जीरो या फिर जीरो टू माइनस इंफिनिटी, इतना ही आता है डीबी, क्योंकि मैंने लोअर हाफ को भी डीएल 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 में डिवाइड करके रखा होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी बी अपर प्लस बी लोअर, राइट? बट अपर का और लोअर का कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है इक्वल,
मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा टू टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अपर साइड और लोअर साइड, और अपर साइड का कंट्रीब्यूशन क्या है, जीरो टू बी डीपी। ओके गुड, तो बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू बी एंड डीबी इज गिवन बाय बायोट सावर्ट्स लॉ, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय फोर पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर है याद रखना, करेक्ट। बाय द वे ये जो लेंथ है सेंटर ऑफ डी एल से लेके तो ओरिजिन तक, इतना जो लेंथ है इस इतने लेंथ को मैं मान रहा हूं दैट, सॉरी आई एम अज्यूमिंग दैट दिस लेंथ इज लेट अस से स्मॉल एल, सो दिस इज स्मॉल एल लेट अस से। ओके अब मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, सो बी इज इक्वल टू टू, कॉन्स्टेंट विल बी टेकन आउट, करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट, ओके जो जो कॉन्स्टेंट है यू कैन टेक इट आउट, एंड अंदर बचा जीरो टू बी डी एल। वेल डी एल पे हम इंटीग्रेट तो लेंथ एलिमेंट पे ही करें ना, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को ही ऐड करेंगे तो उसको बाहर नहीं ला सकते आप, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। नाउ फ्रॉम फिगर व्हाट वी कैन से इज, देखो एल कैपिटल आर स्मॉल आर दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड साइन थीटा, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पता होना चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ओके तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू ये वन जा ये टू जा, तो म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू बी डी एल साइन थीटा, क्या लिखा आपने कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, और नीचे स्क्वायर था ही तो क्यूब हो जाएगा। ओके देन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैपिटल आर को भी आउटसाइड निकाल सकते हैं क्योंकि कैपिटल आर भी तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वायर इज कांस्टेंट, तो आप अभी डीएल अपॉन आर स्मॉल आर की जगह पर सब्स्टिट्यूट करोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्यूब, है ना, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू थिंक, क्योंकि गलत है, गलत इसलिए है आर क्यूब, है ना, हमको आर क्या मिला पहले ये देख लो, हमको आर मिला अंडर रूट ऑफ मतलब पावर हाफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ, ये आर है, मैं अगर आर का क्यूब करूंगा तो मुझे यहाँ पे थ्री बाय टू मिलेगा, ये पता होना चाहिए आपको। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग्स देन यू विल बी इन ट्रबल। ओके तो दिस इज गोइंग टू बी थ्री बाय टू, तो थ्री बाय टू, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपको इसका पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताने वाला हूं, बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट टेक इट एज अ फॉर्मूला, तो म्यू जीरो आई आर अपॉन टू पाई, ये इंटीग्रेशन आपका आता है जीरो टू बी लिख दिया मैंने गलती से, वो जीरो टू इन्फिनिटी है, आई एम रियली सॉरी, आई हैव बीन राइटिंग बी इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी, तो आई विल जस्ट चेंज द लिमिट्स, लिमिट्स को चेंज करो, बाकी सब ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड टू इन्फिनिटी एंड टू इन्फिनिटी। ओके तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है वन बाय आर स्क्वायर, अब ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो डोंट वरी आई विल टेल यू। ओके अब फिलहाल टुडे
बिकॉज वी आर विजिटिंग दिस टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो समझ लो, देन कैंसल एंड कैंसल, तो आपको मिल जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. नॉर्मली आई डोंट प्रिफर टू राइट इट लाइक दिस, मैं ऐसा लिखता हूँ म्यू जीरो बाई फोर पाई, मतलब नीचे टू है, टू एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स इट. तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको म्यू जीरो बाई फोर पाई अपॉन इंटू टू आई अपॉन आर. क्यू, क्योंकि म्यू जीरो बाई फोर पाई की वैल्यू 10^-7 होती है, इनको पता है. तो दिस इज हाउ आई नॉर्मली प्रिफर टू डू इट. ओके गुड, तो आई विल रिपीट दिस टॉपिक अगेन एंड नोट्स आई विल पुट इट डाउन टूडे एंड देन यू विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द नोट्स. ओके, सिर्फ इंटीग्रल का पार्ट आई कीप इट पेंडिंग बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू सम बेसिक्स, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट ऑल्सो, वो भी देखेंगे हम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो द आइडिया इज वेरी सिंपल, हमारे पास था एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो मैंने डायग्राम में बताया है अपर हाफ, ये हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट इसमें से फ्लो हो रहा है आई, सो देयर इज अ करंट आई व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. यहाँ पे एक पॉइंट है एंड हियर यू हैव अ पॉइंट पी व्हिच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम द वायर. हमको ये फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट थ्रू द वायर, थ्रू द कंप्लीट वायर. तो सबसे पहला काम हमने ये किया दैट वी हैव डिवाइडेड दिस वायर इनटू लेंथ एलिमेंट डीएल डीएल डीएल, करेक्ट. देन एज यू रिमेम्बर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस एलिमेंट के सेंटर से पी पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज अ वेक्टर, देन दिस इज आर बार. फिर आपको मैंने बताया था कि ये जो एलिमेंट है लेंथ एलिमेंट, इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है. तो इन दिस केस दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा हियर यू विल हैव दिस एंगल 180 माइनस थीटा. तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा. What we wanted to do is to find out magnetic field due to complete wire. लेकिन हम तो सिर्फ अपर हाफ में देख रहे हैं और ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब इसका लेंथ इंफिनिटी है, तो नीचे भी तो वायर होगा, नीचे भी वायर है, करेक्ट. तो नीचे जो वायर है उसका लेंथ है 0 से -∞ तक, ऊपर जो वायर है उसका लेंथ है 0 से +∞ तक, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन मिलेगा अपर हाफ में से और लोअर हाफ में से. बट हमको तो पहले ये बताना चाहिए कि ये जो डीएल एक सिंगल लेंथ एलिमेंट लिया है मैंने, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो बाय फोर पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर, या फिर इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ आर क्यूब एज वेल. मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट इन फॉर्म ऑफ स्केलर. ये डी बी जो है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल. ओके इजी, अगर मैं अपर हाफ की बात करूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपर हाफ को मैंने डी एल डी एल डी एल ऐसे डिवाइड करके रखा है, तो कहां से कहां तक, 0 से लेके ∞ तक जितने भी डी एल है हर एक आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा डी बी. और अगर मैं लोअर हाफ की बात करूंगा तो लोअर हाफ में
जीरो से माइनस इंफिनिटी तक हर एक लेंथ एलिमेंट को मैं ऐड करते जाऊंगा, मतलब आई एम गोइंग टू ऐड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द लेंथ एलिमेंट्स इन द लोअर हाफ एज वेल. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ बी यू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया सिमेट्रिक केस है तो अपर हाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन और लोअर हाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम आने वाला है. गुड, मतलब यह आएगा टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी डी वी, एंड दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू इंफिनिटी म्यू जीरो बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर. करेक्ट, फ्रॉम फिगर वी हैव साइन थीटा एज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा एज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, तो हमको मिल जाएगा बी इज इक्वल टू टू म्यू जीरो बाय फोर पाई कॉन्स्टेंट आई कॉन्स्टेंट डी एल साइन थीटा इज कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, नीचे ऑलरेडी स्क्वायर था तो क्यूब हो गया जीरो टू इंफिनिटी. फिर हमको पता है ऑल्सो वॉट वी नो इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रॉम डायग्राम एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब बेसिकली दैट इज पावर हाफ, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ. तो मैंने क्यूब किया तो थ्री बाय टू होगा, राइट. तो ये जो वैल्यू है स्मॉल आर क्यूब की, ये हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो म्यू जीरो बाय टू पाई आई इंटीग्रेशन आर भी बाहर निकाल लेता हूं कैपिटल डी एल अपॉन ये जो है आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का थ्री बाय टू जीरो टू इंफिनिटी. इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, लेट मी मेक सम स्पेस. Let me make some space and then we can go ahead. Okay. So, we are going to substitute for r cube. So, mu 0 by 2 pi I r integration 0 to infinity 1 dl upon r cube is l square plus r square raised to 3 by 2. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो मिलेगा म्यू जीरो बाय टू पाई आई आर वन बाय आर स्क्वायर. इसको सॉल्व करो एंड देन यू हैव फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ओके, तो द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल. व्हाट यू शुड बी डूइंग इज यू शुड बी गोइंग थ्रू द वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. I will be providing notes and I will also be including वो जो integration कहाँ से आया, integration dl upon l square plus capital R square raised to 3 by 2 वो 1 by R square कैसे आया, मैं वो भी notes में as a supplementary डालने वाला हूँ. You just need to know how to integrate because आगे लग सकता है, हमको लगेगा आगे, right? So that's it. It is a very simple thing and if you don't understand, please ask me today by midnight so that I can include revision in the next lecture.